हेलो फ्रेंड्स, यमी कैफे विद ऐश में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स फ्रूट रायता, जो कि बहुत ही हेल्दी है और गर्मियों में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला एक साइड डिश है। इसके लिए हमने बहुत सारे चॉप्ड फ्रूट्स ले रखे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास इस बोल में सारे सीजनल फ्रूट्स हैं। पाइनएप्पल चॉप्ड, मैंगो या आम चॉप किया हुआ है, कुछ ग्रेप्स हैं इसमें, रेड ग्रेप्स चॉप किए हुए। आप चाहें तो कैन भी यूज़ कर सकते हैं, पर कैन वाले फ्रूट्स को पहले अच्छे से धो लीजिए, उसके बाद ही यूज़ कीजिएगा। और इसके लिए हमें मेन इंग्रेडिएंट चाहिए दही, जो कि करीबन 300 ग्राम मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। थोड़ी सी चीनी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, पिसी हुई चीनी। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि फ्रूट्स में वैसे ही मिठास बहुत है। और इसके लिए हमें चाहिए भुना हुआ जीरा, क्यूमिन, रोस्टेड क्यूमिन 1 चम्मच, 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून हमें चाहिए काला नमक, और आधा टीस्पून हमें चाहिए काली मिर्च का पाउडर। तो सबसे पहले हम एक बोल ले लेंगे, उसमें हम दही को निकालेंगे। इस दही को आप अच्छे से पहले फेंट लीजिए। दही को अच्छी तरह फेंट लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें हंग कर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हंग कर्ड में बहुत ज़्यादा थिकनेस होती है और रिचनेस होती है, पर यहाँ पर मैं नॉर्मल दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें पिसी हुई चीनी की जगह आप कोकोनट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप वीगन हैं तो, या फिर हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैंने 1 चम्मच ये शुगर डाल दी है। अब इसमें 1 टीस्पून काला नमक डालेंगे, और इसमें 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1/2 टीस्पून रोस्टेड क्यूमिन हमने डाला है। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले इसमें अपना फ्लेवर छोड़ दें और ये दही को और भी टेस्टी बना देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं, जैसा कि मैं करने वाली हूँ। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें चॉप्ड फ्रूट्स डालेंगे। इसमें चेरी है, आम है, अंगूर है और एप्पल है। देखिए कितना कलरफुल और सुंदर लग रहा है हमारा फ्रूट रायता या फ्रूट सैलेड विद योगर्ट। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अगर आप चाहें तो इसको मिला सकते हैं अच्छी तरह, या फिर ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर रहे हैं। लॉकडाउन में ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, इसे ज़रूर बना के ट्राई कीजिए अपने लंच या डिनर के साथ, या फिर ऐसे ही आप खा सकते हैं। अब मेरे हाथ में ये है 1 चम्मच चाट मसाला, इसको हम स्प्रिंकल करेंगे। इस यमी फ्रूट रायते को एंजॉय कीजिए, और प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। यमी कैफे विद ऐश को शेयर कीजिए। टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, स्टे होम, स्टे हेल्थी। बाय बाय।